अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। जो अहम डेवलपमेंट आज के दिन होती रही वो आज प्रोग्राम का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। फाफिन ने बल्दियाती इलेक्शन में इंतखाबी अमल को आम इंतखाबात की तैयारी के लिए नामुनासिब तरीन करार दिया है, जबकि फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात में इंतखाबी अमल पर जो तनाज़ात हैं वो अच्छे नहीं बताए गए हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि तनाज़ात कानून साजी के ढांचे की कमजोरियों की वजह से पैदा हुए हैं। जबकि वसीम अख्तर की अगर बात की जाए तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की खूब गरजे और बरसे, यह भी कहा कि कराची और हैदराबाद का बल्दियाती इलेक्शन कल अदम करार करने का इलेक्शन कराया, नया इलेक्शन कराया जाए। जबकि साथ में यह भी कहा कि बल्दियाती इंतखाबात हुए 5 दिन हो गए हैं लेकिन नतीजा अब तक नहीं आया है। साथ में यह भी बोले कि जमात इस्लामी, पीटीआई, पीपल्स पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए। वसीम अख्तर ये भी कहते नजर आए कि हम बॉयकॉट की वजह से टर्न आउट जो सामने आया है हमारे वो इंतहाई कम रहा है, इस चीज को खुद इंडोर्स करते नजर आए। जबकि निसार खोड़ो जब मैदान में उतरे तो कहा मेयर कराची के मुतालिक अभी फैसले का वक्त नहीं है और कराची में 2 डिवीजन की बातें हवा में हैं। साथ साथ ये भी कहा कि केएमसी का हाउस मुकम्मल होने और हल्फ बर्दारी के बाद मेयर, डेप्यूटी मेयर का इंतखाब होना है। ये भी कहा कि जमहूरी रवैये के तहत जमात इस्लामी के दफ्तर गए थे, जबकि अली जैदी जो कि सिंध के सदर है पीटीआई के, उन्होंने कहा कि जरदारी माफिया से बात नहीं होगी, जमात इस्लामी से राबते में हैं। ये भी कहते नजर आए कि बल्दियाती हुकूमत के लिए हाफिज नईम से राबता है और कल वो हमारे पास आ रहे हैं। जबकि जमात इस्लामी कराची के तहत बल्दियाती इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर जलसे तशक्कुर में तमाम शोबे हाई जिंदगी से वाबस्ता मर्द और ख्वातीन ने भी शिरकत की। जबकि हाफिज नईमुर रहमान ये कहते हैं कि नंबर 1 पार्टी के तौर पर मेयर जमात इस्लामी का होगा। सिराजुल हक भी आज कराची आए, कहा कि एक वक्त था जब शहर की तालीमी इदारों में गोलियां चलती थी और हाफिज नईम ने भी ये कहा कि जब शहर में दहशतगर्दी का वक्त आया तमाम जमातें यहाँ से भाग चुकी थी। हाफिज नईम ने यह भी कहा कि आज जमात इस्लामी एक बार फिर इस शहर को अपनी असल हालत में लेकर आ रही है। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर आज गुफ्तगू की जाएगी। फाफिन रिपोर्ट के हवाले से भी बात की जाएगी। जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क है उसने कहा है कि हाल ही में जो मुनक़िद हुए बल्दियाती इलेक्शन जो इंतखाबात हुए हैं उसमें इंतखाबी अमल के मयार को जांचा गया है, उस हवाले से रिपोर्ट बनाई गई है। उसमें तनाज़ियात जो बताए गए हैं वो अच्छे नहीं हैं, ये रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पे कहा गया है। बिलखुसूस ये भी कहा कि ऐसे मौके पर जब सियासी जमातें आम इंतखाबात की तैयारी कर रही हैं तो ऐसे तनाज़ियात नहीं होने चाहिए। जबकि कानून साजी को भी ये कहा कि कानून साजी के ढांचे की कमजोरियाँ हैं, इसको ज़रा पॉइंट आउट किया है उन्होंने। तमाम सियासी फरीकान को भी ये कहा है कि बातचीत के जरिए उन्हें दुरुस्त किया जा सकता है। तो इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, उस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ जो वसीम अख्तर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज, उसमें तंज के निश्तर बरसाए गए हैं, ख़ास तौर पर 3 सियासी जमातों को जो है वो कंपैरेटिवली ये कहा गया है कि अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। कल के रोज़ भी हमने आपको बताया था कि जमात इस्लामी इस वक्त सोच रही है कि आइदर पीटीआई की तरफ जा रहा है या फिर पीपल्स पार्टी का साथ देना है। इस पर गुफ्तगू हुई थी कल के प्रोग्राम के अंदर। आज एमक्यूएम का मौकफ सबसे पहले आपके सामने रखेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से हमारे साथ एमपीए गुलाम जिलानी साहब जो है वो ऑन कॉल मौजूद हैं। जिलानी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि एमक्यूएम तो अब इस तमाम रेस से, तमाम दौड़ से बाहर हो चुकी है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा जाए तो फर्क क्या पड़ना है? एमक्यूएम इस वक्त मैंडेट रखती है क्या कराची का? बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तो एमक्यूएम के खैरात में दी गई ये चंद सीटों पे जो 3 इडियट्स जो हैं जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये इसी तरीके से जो है वो इनके तनाजा चलते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जो सूरत हाल है, जो बंटवारा है, अब उस पर ये देखना है कि वो किस तरीके से इस मसले को हल करते हैं कि मेयर कराची के लिए हाफिज नईम और रहमान साहब जिन्होंने दावा किया, बहुत बड़े बड़े दावे किए, सारी चीजें की और एमकेएम की खैरात में मिले हुए 400 वोट, 300 वोट, 55 वोट, इस पर जो है वो उनके चेयरमैन जो मुंतखब हुए, तो अब देखना है कि आवाम ने तो उनको जो है जिस तरीके से रिजेक्ट करना था वो आपके सामने है और जिस तरीके से फाफिन की रिपोर्ट है और तमाम मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, तमाम में ये बात कर रहे हैं कि अभी तक पाकिस्तान में होने वाले जितने भी इलेक्शन हैं उसका बदतरीन जो इलेक्शन था वो कराची और हैदराबाद का जो ये बल्दियाती सिस्टम था इसका ये इलेक्शन था। और उसकी एक जिंदा मिसाल मैं आपको दूं कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इससे 4 घंटे पहले लांडी से एक ब्लड बॉक्स जो है जिसमें वोट कास्ट होते हैं वो
बरामद हुआ, जिसको चार मोबाइलों की कस्टडी में जो है वो यहाँ से ले जाया गया। और जो धांधली शुदा वोटों से तकरीबन आधे से ज्यादा भरा हुआ था। अच्छा, तो ये सवालिया निशान है उस इलेक्शन कमीशन के लिए, जो अपने आप को बहुत ज्यादा जो है वो सादिक और अमीन बनाने के चक्कर में अभी तक जो है वो बलदियाती इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो प्रॉपर अनाउंस नहीं कर सका। और वसीम अख्तर भाई ने भी जो बात की वो यही की कि ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन की रांची में है और उसका रिजल्ट जो है वो फाटा के दूर दराज इलाकों से आना है। क्योंकि 400 वोट गिनना, 200 वोट गिनना, 1000 वोट गिनना, मैं नहीं समझता कि वो आरओ के लिए और उसके स्टाफ के लिए कोई इतना तकलीफ दे मरहला था कि जिसको अभी तक वो जो है वो पूरी तरीके से सही से नहीं गिन सके। ठीक है गुलाम जानी साहब, सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त एमक्यूएम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, जो गुफ्तगू की जा रही है तमाम सियासी रहनुमाओं की जानिब से, उसका इम्पैक्ट क्या होगा लोगों पर? क्योंकि लोगों ने तो अब जमात इस्लामी को वोट दिया है या पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। सर, लोगों ने किसी को भी वोट नहीं दिया ना। आप अपने चैनल की खबरें देखें 15 तारीख की, आप दीगर चैनल की खबरें देखें कि लोग घरों से नहीं निकले और ब्लैड बॉक्स से जो है वो 5,000 और 6,000 और 2,000 के जो है वो ब्लैडिंग पेपर निकल रहे हैं। तो ये वही काम हुआ है जो इससे पहले भी पीपल्स पार्टी करती रही है और उसमें हिस्सा मिलाया बहुत सादिक और अमीन जनाब हाफिजुर नईम और रहमान साहब ने। और अब देखते हैं इंशाल्लाह वो अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिलते हैं। आज के एमक्यूएम पाकिस्तान के नैरेटिव से ये लग रहा है कि जमात इस्लामी जो है वो एक ऐसी जमात है जिसको मैंडेट नहीं मिला, लेकिन गुज़िश्ता कुछ रोज पहले की अगर बात कर ली जाए तो जमात इस्लामी को भी आपके धरनों के अंदर भी दावत दी जा रही थी, मुलाकात करने भी गए थे आपका डेलीगेशन, वो सब क्या था? बिल्कुल, हमने तो जमात इस्लामी को नहीं, हमने तो कराची की जितनी भी जमातें थी, सिंध की जितनी भी जमातें थी, उनको कहा कि भाई आओ बैठो और पहले इस मसले को हल करने की कोशिश करो। अच्छा, अगर मेयर कराची शहर कराची के लिए आता है, हैदराबाद के लिए आता है, तो वो भले एमकेएम का ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम वो आके जो है तरीके से इस सिस्टम को चला तो सके। मैं पहले भी बात कह चुका, मैं दोबारा कह रहा हूं कि क्या सफारी पार्क के टिकट से, चिड़ियाघर के टिकट से, या शहर कराची में जो मुख्तलिफ जगहों पे पार्किंग एरियाज हैं उनकी टोकन मनी से आप इस शहर को चलाएंगे? अगर पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं आता तो आप देखिएगा कि किस तरीके से जो है वो शहर कराची को तबाह बर्बाद किया जाएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगी जो भी मेयर आता है? नहीं, हमने तो इस इलेक्शन को ही एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम मेयर को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? मतलब उस मेयर के खिलाफ भी फिर धरने दिए जाएंगे मुस्तकबिल के? हम तो अभी 140A के खिलाफ धरने दे रहे हैं, हम 140A के खिलाफ, 10A 10(1) के खिलाफ जो है वो अदालतों का रुख कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही माजरत के साथ मैं ये बात कहूंगा कि वो अदालतें भी सो रही हैं। अच्छा, एक के बाद इलेक्शन हो गए, दो दफा तीन दफा मुलतवी होने के बाद फिर इलेक्शन हुए, आज वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं कि नया इलेक्शन कराया जाए कराची और हैदराबाद के अंदर। अगर आप प्रॉपरली इलेक्शन का रिजल्ट काउंट करें ना, तो मेरे भाई कम से कम जो है 5-6% से ज्यादा जो है वो टर्नआउट नहीं रहा। ठीक है, इसको भी जिस तरीके से 2-3 दिन इलेक्शन का रोक कर और इसको 3,000 और 4,000 पर लेकर ले जाया गया है, वो भी मुझसे ज्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो आप तमाम लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं ना। तो किस तरीके से जो है वो 5% और 4% के टर्नओवर पर जो है वो आप कराची का मेयर ला सकते हैं? पॉसिबल है। अच्छा, एमक्यूएम की स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि जमात इस्लामी ने तो इस वक्त तेज कर दी है मुलाकातें, चाहे वो पीटीआई से हो या पीपल्स पार्टी से हो, तो ऐसा लगता है कि मेरी तो दुआ है कि मेरी तो ये दुआ है अल्लाह ताला से कि कराची का मेयर जो है पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का कंबाइंड होकर आए, ताकि दोनों का मुनाफिकाना चेहरा जो है वो आवाम के सामने आएगा कि एक दूसरे की जो है इतनी ज्यादा शिद्दत से मुखालफत करते हुए, एक दूसरे के खिलाफ गालियां देते हुए, सिंध गवर्नमेंट क्योर है, सिंध गवर्नमेंट नाकारा है, सिंध गवर्नमेंट ने सारा बजट खा लिया, सिंध गवर्नमेंट ने पूरा सिंध के 1200 अरब रुपए खा लिए, और आज जो है वो बातें हो रही हैं दोबारा के जी हम बैठते हैं। नहीं तो यही नैरेटिव तो गुलाम जलानी साहब, यही नैरेटिव तो एमक्यूएम के इंजमाम के बाद भी यही नैरेटिव था। अभी आपने कहा कि हम किसी भी सियासी जमात के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, तो बहुत सी सियासी जमातें ऐसी हैं जिनके ऊपर एमक्यूएम की लानतान करती थी। हम हर सियासी जमात के साथ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हम बैठने को तैयार हैं जो कराची के मफाद में और इस शहर कराची के लिए, शहर कराची को ऑन करने के लिए अपना किरदार अदा करती है जमात इस्लामी। नाम का मेयर लाने से क्या फायदा होगा मुझे बताएं?
जमात इस्लामी भी यही कह रही है कि हम भी हर उस सियासी जमात के साथ बैठने के लिए तैयार हैं जो कराची की बेहतरी के लिए काम कर ले। तो वो अपने मेयर के लिए पहले इकदाम करें, जो इन्होंने आपस में जो एक पार्टनरशिप तैयार की हुई है कि पहले तू खेल फिर मैं खेलूंगा, और आज तू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शाम में मैं करूंगा, और सुबह में फिर तू करना और दोपहर में मैं करूंगा। ठीक है, तो ये चेहरा हाफिज रहमान साहब का जो है ना सबके सामने जो उन्होंने तरीकेकार अपनाया हुआ है, आखिर में बैठना इन दोनों ने ही है। ठीक है ठीक है, ये वही चेहरा ये होना कि कौन डिप्टी मेयर रहेगा और कौन मेयर बनेगा, मतलब ये वही चेहरा है। मुझे बड़ी अफसरदगी के साथ ये कहना पड़ रहा है, आपकी जमात में जो इस वक्त लोग इंजमाम के बाद आए हैं वो भी ये कहते नजर आए इस प्रोग्राम के अंदर भी और प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर भी कि जमात इस्लामी को चाहिए कि एमक्यूएम का साथ दे, धरनों में एमक्यूएम का साथ दे, जमातियों हमारे बगैर तुम नहीं चल सकोगे। फारूक सत्तार भी ये कहते नजर आए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जमात हमारे साथ मिलकर चले, धरनों में नैरेटिव को एक साथ लेकर आगे बढ़े, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मकरू चेहरा नजर आ गया। अब देखिए, अगर इंजमाम से पहले जो बात हुई उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहूंगा कि मैं उसके मुताल्लिक कोई कमेंट नहीं कर सकता, कि बात कर रहा हूं, ये बात की बात कर रहा हूं। लेकिन जब इंजमाम हो गया उसके बाद ये सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं, तो सबका एक ही जवाब था और एक ही सबका मुतालबा था कि ये जो गुफ्तगू मैं आपको बता रहा हूं ये गुफ्तगू इंजमाम के बाद की है। नहीं, इंजमाम के बाद तो सर दो दिन भी नहीं मिले थे हमें, और उसमें जितना काम हुआ है वो आपके सामने है और मुत्तफ़िक़ का फैसला था। ये गुफ्तगू इलेक्शंस के होने के बाद की गुफ्तगू है एमक्यूएम पाकिस्तान की? नहीं, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं है। मैं आपकी नॉलेज में इजाफा कर देता हूँ, नॉलेज में इजाफा कर देता हूँ कि फारूक सत्तार ने भी कहा कि जो हम धरने देने जा रहे हैं, अब हम सड़कों पर जो इस वक्त चलाएंगे इस ऐवान को जो बल्दियाती ऐवान है उसमें जमात इस्लामी को हमारा साथ देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए ना, अगर ये बात भी कह रहे हैं फारूक भाई कह रहे हैं या मुस्तफा कमाल भाई कह रहे हैं या खालिद मकबूल सदीकी भाई कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप किस तरीके से इस शहर को चलाएंगे। आप एक तरफ कह रहे हैं मकरू चेहरा सामने आ गया तो मकरू चेहरा कैसे साथ देगा? नुकसान किसका होगा? नुकसान जमात इस्लामी का होगा, जमात इस्लामी का नुकसान नहीं होगा, शहर कराची का नुकसान होगा। अच्छा, उस नुकसान से बचने के लिए ही ये तमाम चीजें जो है वो डिस्कस की जा रही है कि भाई होश के नाखून लो। एक दफा सोच लिया जाए ना कि जमात इस्लामी ने धरनों में अगर आपका साथ देना है तो इस तरह अगर तंज के निशर बरसाए जाएंगे तो वो कहां जाएंगे? वो तो साथ नहीं देंगे आपका। सर साथ देना ना देना उनकी मर्जी है, हमारा काम है नॉक करना, दरवाजा खटखटाना। अच्छा, हम तो जो है तमाम के दरवाजे खटखटा रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है। वैसे एमकेएम इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले सके क्योंकि दूसरी सियासी जमातों के पास इस वक्त मैंडेट है। नहीं, मैंडेट किसके पास है मुझे बताएं? अभी तो मैंडेट जो है वो टुकड़ों में बटा हुआ है, अभी जब इस पे रिजल्ट आएगा और तमाम चीजें होंगी तो आपको पता चलेगा कि एमकेएम की हिकमत अमली क्या थी और लोग किस तरीके से जो है वो हमारे साथ हैं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुलाम जिलानी हमारे साथ मौजूद थे, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध, एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक था। और नाज़रीन, इस वक्त एमक्यूएम का मौकफ भी जो है वो खासा बटा हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इंजमाम हो चुका है। अब जो भी सियासी रहनुमा बात करता है वो एमक्यूएम का नैरेटिव बताता है, लेकिन ऐसा लगता है कि एमक्यूएम का नैरेटिव कहीं ना कहीं जो है वो कश्मकश का शिकार है। एक तरफ जमात इस्लामी से जो है वो इल्हाक करने की बातें की जा रही हैं कि धरनों में हमारा साथ दिया जाए, कराची की जो आवाम है, कराची के जो लोग हैं, उनके जो तहफ़ुज़ात हैं, उनकी परेशानियों के लिए हम आवाज़ उठाने जा रहे हैं, तो जमात इस्लामी को चाहिए कि हमारे साथ बैठे। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी लांग तान करती रही, जमात इस्लामी तहफ़ुज़ात का इजहार करती रही सिंध हुकूमत से, आज उसी के साथ जाकर बैठ चुके हैं। तो ये चीज़ें ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूजन का शिकार है एमक्यूएम पाकिस्तान। अभी एक वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, दूसरी सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे।